शिव सन कादिक आदिक इंचित शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा निज स्वरूप क्या है, सच्चिदानंद परब्रह्म कहाँ है, कैसा स्वरूप है उनका और उन्हें पाने का वास्तविक मार्ग क्या है। तारतम ज्ञान के अखंड प्रकाश में इन प्रश्नों का अनायास ही समाधान प्राप्त हो जाता है। लहराते हुए महासागर की अथाह जलराशि में जिस प्रकार असंख्य बुलबुले पैदा होते हैं और तत्क्षण उसी में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार महामाया से असंख्य लोग पल पल में प्रकट होते हैं और उसी की गोद में समाप्त हो जाते हैं। और इसी महाशून्य में प्रकट होता है आदि नारायण का स्वरूप, जो अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन होता है। संपूर्ण सृष्टि का संचालक यही है, इसी की चेतना का प्रतिभास सभी प्राणियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। संसार के अधिकांश मनुष्यों का प्रायः यही आराध्य देव है और इससे परे ये योग माया का अखंड मंडल है, जहां अक्षर ब्रह्म अपनी अखंड एवं चैतन्य प्रकृति के साथ क्रीड़ा करता है। ये अद्वैत भूमिका है, यहाँ के कण कण में चैतन्यता, अखंडता एवं ब्रह्म रूपता के दर्शन होते हैं। ये वेदों में चतुष्पाद विभूति के रूप में वर्णित हैं। भगवान शिव, महाविष्णु, संकादिक, शुकदेव आदि की ध्यान क्रीड़ा का यही स्थान है। किंतु इस योग माया मंडल से परे वो स्वलीला अद्वैत अनादि अनंत परम धाम है। ये हमारा आदेश है। जैसी आपकी आज्ञा सद्गुरु महाराज। कटु सत्य है कि परब्रह्म का निवास ब्रह्म मुनियों का हृदय है, न कि रुई की गादी। व्यक्तिवाद की आंधी में सम्यक ज्ञान का प्रचार होना संभव नहीं है। बिहारी जी की संकुचित विचारधारा के कारण उस समय सुंदर सात ब्रह्मवाणी का एक शब्द भी नहीं सुन पाए। इससे मिहिरराज जी एवं सभी सुंदर सात को बहुत निराशा हुई। तभी जामनगर के मंत्री ने उन्हें जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने के लिए जाने का प्रस्ताव रखा। तब मेहराज जी ने उसे राज्य का आदेश समझकर उस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। सोचा, यहां से दूर रहूंगा तभी कुछ जागनी कार्य कर पाऊंगा। तब इसकी अनुमति लेने वे बिहारी जी के पास पहुंचते हैं। मैं आज आपसे एक आज्ञा चाहता हूं गुरु महाराज। कैसी आज्ञा? जी, यहां के मंत्री द्वारा मेरे पास प्रस्ताव आया है कि जूनागढ़ के पास एक नया गांव बसाना है। वहां जाने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। अच्छा है, मेरी राह का कांटा अपने आप दूर जा रहा है। वैसे तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है, किंतु फिर भी यदि आपकी जाने की बहुत इच्छा है तो आप वहां जा सकते हैं। आपकी इस कृपा से मैं धन्य हुआ। अब मेरे ऊपर
एक और कृपा कर दीजिए। जब मैं यहां से दूर जा ही रहा हूं तो कृपा कर मेरी वाणी की किताबें मुझे वापस कर दीजिए गुरु महाराज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब आप हम सबसे इतने दूर जा ही रहे हैं तो फिर हम आपकी ये किताबें क्या करेंगे, आप इन्हें ले जाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा हुआ जो अपने आप ही चला गया, अन्यथा मुझे फिर किसी षड्यंत्र की रचना करनी पड़ती। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी जूनागढ़ के पास नया गांव बसाने के उद्देश्य से नौतनपुरी से चल पड़े। मार्ग में धोराजी नाम के गांव में नदी किनारे विश्राम करने के उद्देश्य से ठहरे थे कि तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। ब्रह्मवाणी के सिद्धांत अनुसार आत्मा कभी भी गर्भ में नहीं जाती है, गर्भ में मात्र एक जीव प्रवेश करता है और जब उसका जन्म होता है उसके पश्चात किसी भी समय आत्मा उस तन में प्रवेश कर सकती है। इसी प्रकार मेहराज जी की पत्नी फूलबाई, जिन्होंने दूसरा तन धारण कर पुनः उन्हें पति रूप में पाने की बात कही थी, उनकी आत्मा अमलावती ने धोरा जी में 16 वर्षीय तेज कुंवरी नाम की कन्या का तन धारण कर लिया था। वे अपने पिता वीरजी भांजी के साथ नदी में पानी भरने आई थी कि अचानक उनकी नजर प्राणनाथ जी पर पड़ती है। मेरी बेटी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो एक पत्नी ही अपने पति को देखकर करती है। बेटी, तुमने उस पुरुष को देखकर घूंघट क्यों कर लिया? जानती उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, जानती हूँ पिताजी। ऐसा एक स्त्री अपने पति को देखकर ही करती है। ये तुम क्या कह रही हो तेज कुंवरी? वे दिव्य महापुरुष। और तुम्हारे पति? जी हाँ पिताजी, ये सत्य है। इससे पहले मेरी आत्मा फूलबाई नाम के तन में थी, तब मैं इन्हीं की पत्नी थी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम क्या कह रही हो बेटी? ये कैसे संभव है? मैं जो भी कह रही हूँ आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हैं पिताजी। उनका नाम मिहिर राज है। वे जामनगर के निवासी हैं
और उनके पिता का नाम केशव ठक्कर है। गुरुपुत्र बिहारी जी के दबाव में और धर्म के हित में हमें अलग होना पड़ा था। तब मैंने भी पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए अपना देह त्याग कर दिया था। तुम जो भी कह रही हो वो सब सत्य है कि नहीं? मैं अभी इस बात का पता लगाता हूँ। अवश्य पिताजी, और यदि मेरी बात सही निकली तो आप उनसे मेरे विवाह की भी बात कर लीजिएगा। ठीक है, यदि तुम्हारी बात सत्य हुई और उस पुरुष ने तुम्हें स्वीकार किया तो मैं तुम्हारा विवाह उनसे करवा दूंगा, अन्यथा तुम जिद नहीं करोगी। मेरी आज्ञा मानकर मैं जहां भी तुम्हारा विवाह करूंगा तुम सहर्ष मेरे निर्णय को स्वीकार करोगी। जी पिताजी, मैं वचन देती हूँ, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी। ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ, तुम यहीं रुको। प्रणाम श्रीमान। प्रणाम। मेरा नाम वीरभान है, मैं इसी गांव में रहता हूं। क्या मैं ये जान सकता हूं कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं? जी, मेरा नाम मिहिर राज है और मैं जामनगर का निवासी हूं। क्या आपकी पत्नी का नाम फूलबाई था जिससे आपको गुरुपुत्र बिहारी जी के दबाव में अलग होना पड़ा था? जी हाँ, ये सत्य है, किंतु ऐसा हमने धर्म के हित में किया था। किंतु क्या मैं ये जान सकता हूँ कि ये सब आपको कैसे पता चला? ये सब मेरी बेटी तेज कुंवरी ने बताया है। उसका ये कहना है कि उसकी आत्मा ही पहले फूलबाई के तन में थी। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, वो मेरे साथ ही आई है। तेज कुंवरी, आपकी बेटी ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है। इनके ही तन में मेरी पत्नी फूलबाई की आत्मा है। यदि ये सब सत्य है तो मैं एक पिता होने के नाते अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव आपके समक्ष रखता हूं, कृपा कर इसे स्वीकार करें। हमें स्वीकार है। इस प्रकार प्राणनाथ जी ने फूलबाई की आत्मा अमलावती जानकर तेज कुंवरी जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात वे जूनागढ़ पहुंच गए। वहां रहते हुए वहां से
पांच मील दूर एक नया गांव बसाने का प्रयास करते रहे। जूनागढ़ में ही जामनगर के कांजी भाई भी आकर रहने लगे थे। वे हरजी व्यास नाम के एक दिग्विजय पंडित के घर सेवा कार्य करते थे। वे बीच बीच में समय निकालकर प्राणनाथ जी के चरणों में आते थे और उनकी अलौकिक ब्रह्मज्ञान चर्चा का रसपान किया करते थे। एक दिन अचानक हरजी व्यास जी की तबीयत खराब हो गई और वे मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। उनके बचने की कोई आशा न देखकर उनके परिवार वालों ने उन्हें धरती पर लिटा दिया और उनके नाम से दान करने लगे। ये तुम क्या कर रहे हो? ये दान आदि से काम कर में ही तो जन्म मरण के कारण रूप है। ये सब करके मुझे दुखी ना करो। मुझे इस 14 लोकों के संसार में भटकना नहीं है। इस शर जगत से परे अखंड मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो पर ब्रह्म के स्वरूप धाम एवं लीला का ज्ञान होना आवश्यक होता है। उसी बात का दुख लेकर इस दुनिया से मैं जा रहा हूं कि ज्ञान के क्षेत्र में जिस कथन को मैंने सत्य कह दिया उसे कोई असत्य नहीं कह सका। और जिसे मैंने असत्य कह दिया उसको सत्य कहने का किसी का साहस नहीं हुआ, किंतु वो सद्गुरु स्वरूप ब्रह्म ज्ञानी मुझे नहीं मिल सके, जो मेरी बात को असत्य साबित कर मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके।
ये बात तो कोई परमधाम की आत्मा ही कर सकती है। यदि ये राज्य की कृपा से जीवित बच गए तो इनकी ये अंतिम इच्छा भी पूरी की जा सकती है। ये बात श्री प्राणनाथ जी को तुरंत बतानी होगी। तो आप ये चाहते हैं कि हरजी व्यास जी की अंतिम इच्छा मैं पूरी करूं? जी प्राणनाथ जी। अक्षरातीत श्रीराज जी की कृपा से अगर वो जीवित बच जाएं, तो उन्हें मैं ब्रह्म ज्ञान सुनाकर उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। हे प्राणनाथ जी, तो अब मुझे आदेश दीजिए कि मैं क्या करूं। कांजी भाई, तुम दिल लगाकर अच्छे से हरजी व्यास जी की सेवा करो। ठीक है, मैं अभी जाकर उनकी सेवा प्रारंभ करता हूं। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार प्राणनाथ जी के निर्देशानुसार कांजी भाई हरजी व्यास जी की सेवा सच्चे मन से करने लगे। कांजी भाई प्रतिदिन बगीचों से खोज खोज कर ताजी एवं हरी सब्जियां लाते और स्वयं अपने हाथों से पकाकर उन्हें खिलाते। धाम धनी की कृपा से हरजी व्यास शीघ्र ही ठीक हो गए। शाबाश कांजी, शाबाश। तुम्हारी यह सब्जी की सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। यदि कोई मुझे 1,000 रुपया भेंट में देता तो भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता। तुम्हारी जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। जी पहले आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाइए, उसके बाद जो मेरी इच्छा है वो मैं आपसे कह दूंगा। कितना निर्बल हृदय वाला सेवक परमात्मा की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, जो मेरे बेटे से भी बढ़कर मेरी सेवा कर रहा है। इस प्रकार सेवा करते हुए कुछ समय और बीत जाता है। जब हरजी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तो पुनः वे कांजी से पूछते हैं, कांजी मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। अब तो बता दो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, तुम्हें क्या दूं, जिससे मैं तुम्हारी सेवा के ऋण से मुक्त हो सकूं। हे व्यास जी, मैं आपसे एक वस्तु मांगता हूं। मेरे एक परिचित महात्मा इस नगर में आए हुए हैं, आपसे प्रार्थना है कि कृपया आप उन्हें ज्ञान चर्चा सुनाने का कष्ट करें। वाह कांजी वाह, तुमने मांगा भी तो क्या मांगा,
एक तो सच्चे हृदय से मेरी सेवा की, दूसरी अपनी मांग में ज्ञान चर्चा ही रखी। ज्ञान चर्चा सुनाने में तो मुझे आनंद की प्राप्ति होती है। तुम शीघ्र जाकर उन महात्मा जी को चर्चा सुनने के लिए ले आओ। आपकी जैसी आज्ञा। प्रणाम व्यास जी। प्रणाम महात्मा जी, बैठिए। बताइए, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? मैं तो परदेसी हूं। यहां आपके ज्ञान की महिमा सुनकर अपने आत्म कल्याण की भावना से चला आया हूं। बहुत अच्छा किया जो आप यहां आ गए। आपकी जो भी इच्छा होगी उसके अनुसार मैं आपको ज्ञान चर्चा अवश्य सुनाऊंगा। कांजी, बगीचे में जो कुटिया है वहां महात्मा जी के ठहरने की व्यवस्था कर दो। जो आज्ञा महाराज। महात्मा जी, आप अपना सामान रखकर हाथ मुंह धोकर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तत्पश्चात मैं आपको श्रीमद् भागवत की चर्चा अवश्य सुनाऊंगा। जैसे आपकी आज्ञा। प्रणाम। प्रणाम। इस प्रकार श्री प्राणनाथ जी एक जिज्ञासु के रूप में 2 महीने तक हरजी व्यास जी से श्रीमद् भागवत की चर्चा सुनते रहे। ज्ञान के अनंत सागर स्वयं अक्षरातीत उनके हृदय में विराजमान हैं, किंतु वे इस प्रकार चर्चा सुन रहे थे जैसे उन्हें कोई ज्ञान ही ना हो। 2 महीने के बाद जब एक दिन हरजी व्यास जी भागवत के 10वें स्कंध के 89वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे, तब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के रथ ने अर्जुन सहित दिव्य जल राशि में प्रवेश किया। वह बड़ी तेज आंधी चलने के कारण उस जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठ रही थी जो बहुत सुंदर लगती थी। वहां एक बड़ा सुंदर हीरे का महल था। उसमें मणियों के सहस्र सहस्र खंभे चमक चमक कर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे और उसके चारों ओर बड़ी ही उज्जवल ज्योति फैल रही थी। हे व्यास जी, ये महल किस देव का स्थान है? ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है।
ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं इसी आनंदमय धाम के खोज में ही तो था, जिसका ज्ञान सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ये अलौकिक महल इस ब्रह्मांड में ऊपर है या नीचे, इस दृश्यमान जगत के अंदर है या इससे परे, आप ही अपनी चर्चा में पहले कह चुके हैं कि महाप्रलय में 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृति का लय हो जाता है। फिर ये अक्षर ब्रह्म का महल कहाँ अखंड रहता है? श्रीमद् भागवत के कथन के अनुसार देखा जाए तो ये महल आदि नारायण का स्थान है, जो क्षीर सागर में रहते हैं। हे व्यास जी, अभी आप ही ने कहा था कि ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है, तो क्या आदि नारायण ही अक्षर ब्रह्म है या कोई और है? वैसे भी क्षीर सागर तो 14 लोकों के इस ब्रह्मांड के अंदर है। महाप्रलय के समय जब 14 लोकों सहित क्षीर सागर ही नहीं रहेगा, तो ये दिव्य महल कहाँ रहेगा? हे व्यास जी, आपके बिना इस गुत्थी को सुलझाने में अन्य कोई भी समर्थ नहीं है। कृपया मुझसे ये रहस्य न छिपाइए। मैं आपके चरणों में बारंबार विनती करता हूँ। मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? जब शास्त्रों में ही स्पष्ट नहीं लिखा है, तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर कहां से दूं? प्राणनाथ जी, जरा आप इनसे अक्षरातीत परब्रह्म के विषय में भी तो कुछ पूछिए। जब इन्हें क्षर जगत का ही पूर्ण ज्ञान नहीं है, तो ये अक्षर अक्षरातीत के विषय में भला कैसे बता पाएंगे? ऐसी ज्ञान की कोई बातें तो ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त कोई कर ही नहीं सकता, जिनका 28वें कलयुग के इस अंतिम समय में इस जगत में प्रकट होना धर्म ग्रंथों में लिखा है। हे व्यास जी, ध्यान से सुनिए। आपके पास मेरे आने का उद्देश्य भागवत कथा सुनना नहीं है। याद करो, जब आपका स्वास्थ्य बहुत ही ज्यादा खराब था, तो आपने क्या कहा था? ज्ञान के क्षेत्र में जिस कथन को मैंने सत्य कह दिया, उसे कोई असत्य नहीं कह सका, और जिसे मैंने असत्य कह दिया, उसको सत्य कहने का किसी का साहस नहीं हुआ। किंतु वो सद्गुरु स्वरूप ब्रह्मज्ञानी मुझे नहीं मिले, जो मेरी बात को असत्य साबित कर मुझे ब्रह्म ज्ञान दे सके। आपकी उसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए परमात्मा ने मुझे आपके पास भेजा है।
मेरा वैसा कहने का उद्देश्य यही था कि मुझे शास्त्रों के कथन के अनुसार ब्रह्म रूप मुनियों का इंतजार था, मात्र वे ही निराकार से आगे का ज्ञान देने में समर्थ है। आपका दर्शन कर आज मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। जिस प्रकार गुलर के वृक्ष में बहुत से फल लगे होते हैं, एक फल के अंदर बहुत से कीड़े होते हैं जो दूसरे फलों एवं उनके अंदर रहने वाले कीड़ों के विषय में नहीं जानते हैं, मेरी स्थिति भी वैसी ही है। अब तक मैंने शास्त्रार्थ में सभी पंडितों को हराया है, किंतु आज मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कृपया अखंड धाम की सच्ची राह दिखाइए। हे व्यास जी, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो महल दिखाया था वो आदि नारायण का ही स्थान है, किंतु वो इस क्षर जगत के अंतर्गत है। उसका एवं आदि नारायण जी का मूल स्वरूप इस क्षर जगत से परे बेहद मंडल में है, जिसे अव्याकृत ब्रह्म कहते हैं, जो अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। उसी का प्रतिबिंब इस क्षर जगत में पड़ता है, उसे बेहद मंडल से परे सच्चिदानंद परब्रह्म एवं उनकी आत्माओं का दिव्य अनादि परम धाम है। अक्षर ब्रह्म का भी मूल स्वरूप यही है। अपनी आत्म जागृति के लिए तुम्हें वही का ध्यान करना चाहिए। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। ना हो नया ना पुराना, निज धाम इन प्रकार। घटे बधे नहीं पत्र के, रह सत सर्वदासा। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। एक पात गिरे न वन को, ना गिरे पंखी का पर। एक जरा जाया न हो वही अर्स जिमियों कर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। मेवे चाहिए सो लीजिए, फल फूल मूल पात। पीत रहा तैसा ही बनिया, ए बका बागों की बात। अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर।
अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर अक्षर पार्वतन है, जागिए इन घर। पशु पंखी अति सुंदर बोलत अमृत रसा, सुंदरता केस परन की क्यों कर करूं बया। अक्षर पार्वतन है जागिए इन घर, अक्षर पार्वतन है जागिए इन घर, अक्षर पार्वतन है जागिए। एक जरा जो इन जिमी का सो सब इश्क की सूरत, आसमान जिमी जड़ चेतन पहचान इश्क दोईत। अक्षर पार्वतन है जागिए इन घर, अक्षर पार्वतन है जागिए इन घर, जागिए जागिए इन घर, जागिए इन घर, जागिए इन घर। हमें शीघ्र ही नौतनपुरी जाना होगा। क्या हुआ स्वामी, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? हमें अभी नौतनपुरी जाना होगा। वहां सुंदर सात के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ठीक है स्वामी, प्रातः होते ही हम नौतनपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे। प्रणाम। राज्यकर ना मिलने के कारण कुतुब खां बहुत क्रोधित है। उसने जामनगर को चारों तरफ से घेर लिया है और किसी भी समय नगर पर हमला कर सकता है। हमने भी सुना है कि वो बहुत निर्दयी है। सब परेशान हैं और युद्ध से डर रहे हैं। युद्ध हुआ तो बहुत लोग मरेंगे, खून खराबा होगा, मार काट होगी, आखिर इसे कैसे रोका जा सकता है? प्रणाम सद्गुरु महाराज। प्रणाम मिहिरराज जी, जूनागढ़ से कब आए? मैं आज ही आया हूं सद्गुरु महाराज। आते ही पता चला कि कुतुब खां ने नगर को चारों तरफ से घेर रखा है।
और हमले की आशंका से सारी प्रजा भयभीत है। सत्य सुना है आपने। किंतु क्या करें, राज्य कर लिए बिना कुतुब खां जाने वाला नहीं है और हमारे राज्य का दीवान नौकरी छोड़कर भाग गया है। ऐसे में राजकर की व्यवस्था कौन और कैसे करेगा? आप सब बिल्कुल चिंता ना करें, मैं आज ही मंत्री जी से जाकर मिलूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं स्वयं दीवान का कार्यभार संभाल लूंगा। क्योंकि सुंदर साथ और प्रजा की सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। ठीक है मेहरराज जी, आप शीघ्र ही मंत्री जी से मिलने जाइए ताकि हम सबका दुख दूर हो। प्रणाम सद्गुरु महाराज।